हेलो गाइस, आज हम देखते हैं एक्सेल के अंदर सेल्स को हम लोग मर्ज कैसे करते हैं और उसके अंदर हम लोग काम कैसे करेंगे। देखिए, मैं पहले कुछ सेलेक्ट करती हूँ और यहाँ पे बॉर्डर्स हाईलाइट करती हूँ। ठीक है, अब मुझे एक फॉर्मेट बनाना है और उस फॉर्मेट में कुछ सेल्स को मर्ज करना है और कुछ को नहीं करना है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने सबसे पहले तो कुछ इन लाइंस को सेलेक्ट किया। मैंने यहाँ कहती हूँ इन्हें मर्ज करा दीजिए, मर्ज एंड सेंटर क्लिक कर दिया, मर्ज हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर मैं चाहती हूँ यहाँ पे इन दो को, तीन को सेलेक्ट किया, मर्ज हो गया। फिर मैं यहाँ पे इनको सेलेक्ट करके मर्ज करवा देती हूँ। इसी तरह से इनको हम लोग सेलेक्ट करते हैं, मर्ज करते हैं। फिर यही चीज़ है, ऑप्शंस यहाँ पे मर्ज कर दिया। हम लोग यहाँ पे कलर्स फिल कर देते हैं ताकि ये जो फॉर्मेट बने वो इजी हो जाएगा हमें समझने के लिए कि हम काम एक्चुअल में क्या कर रहे थे यहाँ पे। ठीक है, कुछ सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे कलर हम थोड़ा सा लाइट लेंगे ताकि फॉर्मेट हमारा अच्छा रहे। ठीक है, देखिए, फिर मर्ज सेंटर किया, मर्ज सेंटर कर देती हूँ। फिर से एक मर्ज सेंटर किया यहाँ पे मैंने। जहाँ पे भी जैसे भी सेल्स को आप मर्ज करवाना चाहें आप उसे करवा सकते हैं। ठीक है, और कलर कॉम्बिनेशन क्लिक किया, फॉर्मेट पेंटर चलाएंगे हम यहाँ पे। फॉर्मेट पेंटर क्लिक करती हूँ मैं यहाँ पे, ये चला देती हूँ। फिर यहाँ क्लिक करती हूँ जहाँ पे भी मुझे इस फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करना है वहाँ मैं इसे प्रॉपरली वर्क करवा देती हूँ। देखिए, ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ इन सेल्स को सेलेक्ट करती हूँ, यहाँ पे इनको मर्ज कर देती हूँ और कलर चेंज कर देती हूँ। कलर को हम थोड़ा सा और लाइट ले लेते हैं ऐसे। वापस यहीं पे मर्जिंग सेंटर, आप इसमें जो भी आप टेक्स्ट लिखेंगे ना वो उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। आपने सेंटर में लिया होगा तो टेक्स्ट भी वो सेंटर में ही लिखकर चलेगा। देखिए, ठीक है, तो ये आपका फॉर्मेट बन चुका है। अब इसके अंदर जो भी टेक्स्ट आप लिखना चाहेंगे आप यहाँ पे लिख सकते हैं। प्राइवेट लिमिटेड, कंट्रोल एंटर, मैं यहाँ पे सेल का जो टेक्स्ट का कलर है वो मैं वाइट कर देती हूँ ताकि इजीली मुझे दिखे। ओह माय गॉड, मैंने तो उसका कर दिया, चलिए कोई बात नहीं। मैं यहाँ से लेती हूँ, बोल्ड कर देती हूँ मैं यहाँ से, यहाँ टेक्स्ट का साइज़ बढ़ा दिया मैंने। यहाँ पे आप इंस्ट्रक्टर का नेम ले सकते हैं और कोर्स का नाम डाल सकते हैं, ड्यूरेशन डाल सकते हैं, यहाँ पे हमारे कोर्स के टॉपिक्स डाल सकते हैं, हम कौन कौन सा टॉपिक करवा रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने तो ये इस तरह से आप कर सकते हैं।
यहाँ पे मैं इसे बोल्ड करा देती हूँ, टेक्स्ट का थोड़ा सा साइज भी बढ़ा देती हूँ ताकि क्लियर दिखे। देखिए ठीक है, तो ये मर्जन सेंटर का काम क्या होता है कि सेल्स को जैसे चाहे आप वैसे मर्ज भी करवा सकते हैं और इन पे हम लोग अपना काम भी कर सकते हैं। अब एक ऑप्शन आता है कि आप जो मर्ज करना चाहते हैं, ये फॉर्मेट तो आपने बना दिया, अब मैं फॉर्मेट जो बनाना चाहती हूँ टॉप की जो टू लाइन्स हैं इनको मैंने मर्ज किया, इसके बाद की जो ये लाइन्स हैं यहाँ पे मैं इनको मर्ज तो करना चाहती हूँ लेकिन मैं सिर्फ कॉलम्स के लाइंस को हटाना चाहती हूँ, रो की लाइंस को मैं नहीं हटाना चाहती हूँ। तो क्या होगा, हम एक एक करके कर सकते हैं लेकिन एक एक करके करेंगे टाइम वहाँ पे वेस्ट हो जाता है। तो मर्जिन सेंटर में नीचे एक ऑप्शन आता है मर्ज एक्रॉस, देखिए ठीक है, यहाँ सेलेक्ट करती हूँ मैं, कलर को फिल कर देती हूँ, वही डार्क शेड ले लेती हूँ मैं, और फिर मैं दो लाइंस और सेलेक्ट कर लेती हूँ, इनको भी मर्ज सेंटर करके मैं यहाँ पे करवा देती हूँ। तो यहाँ से मर्ज एक्रॉस में क्या होता है कि हम लोग कॉलम्स की जो लाइंस हैं उनको हटा देते हैं और ओनली रो की लाइंस को सेट करते हैं। यहाँ से आप अलाइनमेंट, अब ज़रूरी नहीं है कि आप सेंटर ही रखेंगे, आप लेफ्ट अलाइनमेंट भी रख सकते हैं। देखिए अब जो काम शुरू करेंगे वो यहाँ पर आएगा और यहाँ पर जो काम करेंगे वो भी ऐसा आएगा। देखिए तो नॉट कंपल्सरी कि आपने जो अगर वो मर्जन सेंटर बोला तो सेंटर ही रखेंगे, आप चेंज नहीं कर सकते, आप चेंज कर सकते। यहाँ पे देखिए मैंने चेंज नहीं किया तो यहाँ जो मैटर है वो सेंटर में आएगा, तो आप कैसे भी चाहें उसमें काम कर सकते हैं। तो ये हमारा मर्जन सेंटर का प्रोसेस होता है कि हम लोग अपने टेक्स्ट को कैसे मर्ज कर सकते हैं। वापस अनमर्ज करना चाहेंगे तो आप सेलेक्ट करिए, ऑप्शन दिया हुआ है अनमर्ज सेल, और मैं अगर बॉर्डर सिखाती हूँ तो देखिए ये अनमर्ज हो चुका है। ठीक है, लेकिन हम कहते हैं ऐसे नहीं, ये प्रोसेस जो है हमें, अगर यहाँ पे हमने ऐसे ही रिपोर्ट बनानी है तो हम लोग इसी तरह से अपना रिपोर्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और बताऊँगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।